बिसमर इब्राहीम असल माई देर स्टूडेंट्स आई एम शराद वहीद योर बायोलॉजी टीचर माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर अ रेवोल्यूशनरी टॉपिक इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी आज हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दैट वेरी टॉपिक इज़ जीनोमिक लाइब्रेरी हम जीनोमिक लाइब्रेरी को क्यों पढ़ना चाहते हैं हम जीनोमिक लाइब्रेरी क्यों बनाना चाहते हैं और हम जिनोमिक लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं इन सारी बातों का जवाब देने के लिए वी हैव टू गो टू वाइट बोर्ड सो लेट्स गो देर यस माई डियर स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत दुआ के साथ और दुआ आपको पता है मेरी महबूब दुआ कौन सी है रबा राइट तो प्यार की दुआ के साथ आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि वर्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द जीनोम फर्स्ट मेरे पास एक इंडिविजुअल हो वो एक वायरस भी हो सकता है वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है वो कोई प्लांट हो सकता है वो कोई एनिमल हो सकता है या खुद हजरत इंसान हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल हो मेरे पास उसकी सारी जीन्स को मैं कलेक्टिवली क्या कहता हूँ जिनोम सारी जीन्स को मैंने इकट्ठा कर लेना है तो वो एग्रीगेट और एग्रीगेशन ऑफ द जीन्स विल बी कॉल्ड एज द जिनोम राइट अ सेट ऑफ कंप्लीट जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स जिनोम अब इस पर्टिकुलर जिनोम को मैंने इस्तेमाल करना है टू मेक अ लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी से बुरा मेरे पास क्या है कि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सारे के सारे जीन्स को क्या करूंगा उसे मैं उठा के किसी बैक्टीरियो के साथ या किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर बाई मीन्स ऑफ वर्ट अ प्लाजमेट उसे क्लोन कर लूंगा राइट तो क्लोनिंग या बैक्टीरियल फेज के अंदर जीन्स के रखने के दो वेज हो सकते हैं या तो वो हो सकता है इंडिविजुअली मुमकिन है कि मेरा इंटरेस्ट किसी एक जीन के साथ हो और ये भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सारे जींस के साथ हो पर्टिकुलरली अगर वो वाला इंडिविजुअल एंड डेंजर्ड जोन में जा रहा है या एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच गया है तो इट इज़ माय ड्यूटी बीइंग द जोलॉजिस्ट बीइंग द बायोलॉजिस्ट कि मैं उस ऑर्गेनिज्म के इस दुनिया पर सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाऊं तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस ऑर्गेनिजम्स के बहुत ही वाइटल किस्म के जीन्स की पूरी लाइब्रेरी बना के अपने पास रख लूंगा कि अगर जरूरत पड़े तो शायद हम उससे ऑस दोबारा से क्रिएट कर सकें सो दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ इंडिविजुअली एंड क्लेक्टिवली मुमकिन है मेरा एक मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक जीन में हो और यह भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट उसकी कोलेक्टिवली ओवरऑल सारी जी उनको प्रिजर्व करने का इरादा हो तो जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इनफेक्ट आई एम गोइंग टू मेक आ लाइब्रेरी ऑफ द जीन्स राइट आपको ये बात पता है कि जब भी हम लाइब्रेरी बनाते हैं तो उस लाइब्रेरी को हम कैटेगराइज करते हैं हम उसकी प्रॉपर लेबलिंग करते हैं सेम ये वाला काम अपनी जीन्स के साथ भी करेंगे नॉट ओनली हमें ये पता होगा कि हमारे पास टोटल जीन्स कितने हैं बल्कि हमें उन पर्टिकुलर जीन्स की स्टोरेज लोकेशन का भी पता होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर जीन को किस वेक्टर के साथ बाइंड करके कहाँ सेव किया हुआ है राइट right? तो ये जो एक टेक्निक है किसी पर्टिकुलर जीन को या पूरे के पूरे जीनोम को किसी वेक्टर के साथ बाइंड करके उसके मल्टीपल क्लोन्स बना के उसे सेव कर लेना फॉर द फ्यूचर यूज इट इज कॉल्ड एज अ जीनोमिक लाइब्रेरी अब हम देखते हैं कि अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म की तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे सो लेट्स मूव टू द द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बुक लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स हमने स्टेप लिखे हैं तो सबसे जो पहला स्टेप है मेरे पास वो क्या है आइसोलेशन ऑफ डीएनए आप लोग आप लोगों के पास ये क्या हो सकता है कोई यूक्रोटिक सेल भी हो सकता है और मुमकिन है यहाँ पे कोई बैक्टीरियल सेल हो तो बैक्टीरियल सेल को भी यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दिस वन इट इज वेरी स्मॉल और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे सिंपल एक वायरस की शक्ल ड्रा कर लें ठीक है यूनो you know, के वायरस बैक्टीरिया से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल है मेरे पास इट मे बी द वायरस इट मे बी द बैक्टीरिया इट मे बी द प्लांट के सेल्फॉर्म प्लांट किंगडम और इट मे बी द सेल फ्रॉम द एनिमल किंगडम और इट मे बी द सेल फॉर ह्यूमन बींग हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे अब डीएनए की आइसोलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मल्टीपल स्टेप से जो कैसे हम उसे गुजारते हैं और गुजारने के बाद इवेंचुअली हम उस पर्टिकुलर डी को एक खास किस्म की वाइल में सेव कर लेते हैं जिसे हम एपन कहते हैं इट एज अ ट्यूब स्पेशल कैप ठीक है हम इसे बंद कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग आ, वैक्स की लेयर्स लगा सकते हैं प्रॉपरली सेव करने के लिए तो उसके बाद हम इसे क्या करेंगे फर्दर रिसर्च में यूज कर सकते हैं तो पहला स्टेप क्या है कि आइसोलेशन ऑफ द डी एन ए इधर फ्रॉम द वायरस इधर फ्राम द बैक्टीरिया इधर फ्राम द सेल फ्रॉम द प्लांट किंगडम और फ्रॉम द एनिमल किंगडम अगला स्टेप मेरे पास क्या हमारे स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्टेप नंबर वन हम इसको यू लेते हैं स्टेप नंबर वन एंड नाउ वी वॉन्ट टू मूव द स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या है कि आपके पास जो भी ऑर्गेनिजम है आप उसके सारे के सारे डी एन ए को निकालने के बाद क्या करोगे आपको पता है कि वी हैव गॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक मलेक्लर सीजर्स एंड वी कॉल दस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो हम क्या करेंगे कि हम इस डी एन ए के अंदर मल्टीपल क्या डाल देंगे एंडो न्यूक्लियस डाल देंगे जो डिफरेंट जगहों से मेरे जीन्स के फ्लैंकिंग एंड्स पर कट लगा देंगे आपको ये बात भी बताई गई थी कि मेरे हम हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी किसी भी एंडोन्यूक्लियस के साथ जीन के पार्ट को कट ना होने दें बल्कि उसके जो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम एरियाज है वहां पे कट लगाएं। जीन यहाँ के दरम्यान में से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ के खत्म हो रहा है तो हम उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम एरिया से इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को कट करते हैं बिकॉज तो का नहीं है तो मैंने क्या करना है ये बात आपको पहले से बताई गई है अब फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर यह शो कर रहे हैं कि मैंने इस वे से तीन डिफरेंट जीन आइसोलेट कर ली फॉर एग्जांपल जीन ए जीन बी एंड जीन सी तो पहला काम यह था कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जितनी जिनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उतनी ज़्यादा जीन्स आइसोलेट कर लें हम इसको ए बी सी के बाद डॉट लगाते हुए इस तरीके से हम इसे अप टू एंड लेकर जा सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिसर्च करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को जीन्स मिलती चली जाएगी तो पहला काम तो ये था कि टू हार्वेस्ट आउट द जीन्स दैट वी तो वॉन्ट टू तो रियली पुट इन टू द जिनोमिक लाइब्रेरी क्या किया उसके तो लिए हमने डीएनए निकाला और उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रीट किया तो मेरे पास मल्टीपल जीन्स आ गई जिनके स्टिकी एंड्स थे अब हम देखते हैं कि हम इन स्टिकी एंड्स डीएनए को फर्दर कैसे करते हैं। to to yes, students, आप लोग इस हकीकत से भी ये ये ने पहले से पढ़ा हुआ है हम लोग क्या करते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं एक सूटेबल वेक्टर आपको पता है मेरे पास वेक्टर क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी आगे लेकर चलेगी कैरी फॉरवर्ड आपको होता है कि वेक्टर इज बेसिकली समथिंग लाइक अ व्हीकल एक ट्रेन की, की तरह से है एक एरोप्लेन की तरह से है एक घोड़े की तरह से है जो मेरे जीन को क्या करेगा किसी दूसरे निज्म या किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के काम आता है व्हीकल राइट सो इस पर्टिकुलर व्हीकल के इसको हमने डाइजेस्ट करना है उसी एंजाइम के साथ कि जिसके साथ मैंने अपनी जीन्स को डाइजेस्ट किया था राइट right? देखिए इसके वैसे ही एंड्स हैं जैसे कि मेरी जीन्स के एंड फिर हम क्या करते हैं आपको यही बात भी पता है कि हम यहाँ पे एंजाइम ऐड करते हैं और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम मेरे पास क्या था लाइगेस राइट right? और जब हम यहां पे एंजाइम ऐड करते हैं लाइगेस तो फिर ये वाला मेरा जीन राइट यह करता है कि अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लाजमेट के साथ क्या कर लेता है ऐड कर लेता है तो जब वो ऐड करेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपको याद है कि हमने वहाँ पे तीन डिफरेंट जीन आइसोलेट किए थे तो हमने वो तीनों की जो डिफरेंट जीन्स इस वक्त इस पर्टिकुलर वेक्टर के डिगरी के साथ मिला दी आपको मैंने डिफरेंट किस्म के वेक्टर्स के नाम बताए थे जैसे आपको याद होगा हमारे पास एक आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम था इस तरह से हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ह्यूमन क्रोमोसोम भी बनाया हुआ है आपको याद है कि हमारे पास प्लामेट्स भी होते हैं आपको याद है कि हमारे पास बेटी के डीएनए भी हो सकते हैं इनमें से किसी भी चीज़ के साथ मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड कर सकता हूं लेकिन उस काम के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या था लाइगेस आपको आपको वाली बात भी पता है कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूं तो मुझे दोनों किस्म के डी को मीन्स जिसको मैंने लाइब्रेरी बनानी है और प्लाजमेट

इस पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम प्रॉपर एक टेक्निक यूज़ करते हैं एंड दैट वी टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आता है यानी कि वो जीन जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं आफ्टर द एडिशन वो वाला जीन यहाँ पर मुझे नज़र आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सक्सेसफुल अटैचमेंट या लाइगेशन हो गई है अब उस पर्टिकुलर लाइगेटेड किस को वैक्टर को या रिकॉमिनेट वैक्टर को अब हम एक ऐसे बैक्टीरिया की बॉडी में डालेंगे जिसे हम लोगों ने एक खास प्रोसेस से ट्रीट किया है वन ऑफ द इज कॉल्ड कॉल इलेक्ट्रोपोरेस ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर मैं बैक्टीरिया के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाऊं तो बैक्टीरिया की जो वॉल्स के पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं और अब उन बड़े बड़े पोर्स में से जो ये वाले जीन्स वाले प्लासमेट्स हैं दे कैन ज्वाइन इन यानी कि एक ऐसा वेक्टर भी हो सें से जीन ए हो एक ऐसा वेक्टर हो जिसमें जीन बी हो और एक ऐसा वैक्टर हो सी हो याद रखने वाली बात यह है कि हमने सिम्बॉलिकली एक बैक्टीरियम यहाँ पर ड्रॉ किया है लेकिन डेफिनेटली अगर मेरे पास तीन डिफरेंट जीन्स हैं तो मैं तीन डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर इस्तेमाल करूंगा राइट फर्ज कर लेते हैं अब मेरे पास एक ऐसा बैक्टीरियम का ग्रुप आ गया है कि जिसके पास जीन ए है दूसरा बैक्टीरियम का ग्रुप हुआ है जिसके पास जीन बी है तीसरा वो जिसके पास जीन सी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आ, बन गए नहीं तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे उनको एक न्यूट्रेंट मीडियम ये मैं पैट्रीडिश लेता हूँ और उस पेट पैट्रीडिश के अंदर वेरी वेल के हम ऐड करते हैं एगर एगर होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉर्डिफाइड न्यूट्रेंट एगर के ऊपर फिर हम इन तीनों किस्म के ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को क्या करेंगे स्ट्रीक करेंगे बहुत वफा बताया आपको स्ट्रीक करना क्या होता है कि ऊपर लाइंस लगा देते हैं और लाइंस लगाने के बाद क्या होता है हम उसे इंक्यूबेटर में प्लेस कर देते हैं इंक्यूबेटर में प्लेस करने के बाद हम होप करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिकॉमिनेट वेक्टर वाले बैक्टीरिया की यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी और हम अपने इस वाले केस बुक यू आर देट मच लकी कि अब मेरे पास ये तीनों पेटर्डिश यहाँ पे प्रेजेंट है और मेरी तीनों डिफरेंट किस्म के जीन्स वाले बैक्टीरिया ग्रो कर गए लेकिन ये बैक्टीरिया क्या वाकया ही उस पर्टिकुलर जीन को रखते हैं नहीं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया करनी पड़ती है राइट right? स्क्रीनिंग एक हम एक ही क्या कर सकते हैं प्लेट के ऊपर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया कि मैंने यहां से बैक्टीरिया उठाए राइट right? ऐसे कर लेते हैं हम लोग राइट right? हम यहां से बैक्टीरिया कॉलोनी उठाएंगे फॉर एग्जाम्पल uh, प्लेट ए से उसको मैंने इस जोन में रख दिया राइट right? और uh, जो दूसरी प्लेट है उसको फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और जो तीसरी किस्म की कॉलोनीज हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्लेस कर दिया अब तीन डिफरेंट किस्म की कॉलोनीज मैंने एक ही पैटिंग प्लेट के अंदर क्या कर दी है ग्रो कर ली है अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन पर्टिकुलर जीन्स का इंपॉर्टेंट बात है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ आई कैन फाइंड द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ दीज जीन्स बिकॉज कि वी नेवर प्ले ब्लाइंडली हम पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हम अन्य खेल रहे होते हम हर स्टेप को करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वेदर ये वाला स्टेप हो चुका है या नहीं मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या जो प्रोसेस इतनी मेहनत से मैंने ऑपरेट किया है तो उसके रिजल्ट में मेरे पास वाकई ऐसे क्लोन्स प्रोड्यूस हो गए जिनके पास मेरा जीरो इंटरेस्ट है या नहीं तो उस परपज़ के लिए मुझे करनी पड़ती है क्या स्क्रीनिंग अब हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे लुक एट दिस मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जीन बी के बारे में ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर जीन के कोरेस्पॉन्डिंग एक यूनिकड एक सिंगल स्ट्रेंड वाला आर एन ए बनाऊंगा जो डेफिनेटली इस जीन के स्टिकी एंड से क्या होगा कॉम्प्लीमेंटरी होगा राइट right. अब अगर अब अगर मेरा बैक्टीरिया क्या रखता है ये वाला जीन तो वो वाला प्रोब जा के इस पर्टिकुलर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अगर वो सक्सेसफुल बाइंड हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे जीन की प्रेजेंस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कंफर्म हो गई राइट right. अब इस पर्टिकुलर चीज से अगर मैंने अपनी सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब को बाइंड कर लिया है तो फिर उसको मैं देखूंगा कैसे तो उसका आंसर ये है कि नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया था, था ला, लास्ट टाइम भी कि प्रोब का मतलब होता है पूछना उसको जानना कि तुम यहाँ पर प्रेजेंट हो या नहीं जैसे हम क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं हम नाम तो आज़ेसर, आज़ेसर, आज़ेसर आज़ेसर बोलते हैं थे स्टूडेंट बोलते हैं कि यस सर और यस मैडम यू टू से राइट तो यहां पर भी हम यहाँ पर, यहाँ, पर यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोब को मैंने बाइन तो कर लिया है अब मैंने उसकी प्रेजेंस को चेक करना है तो सवाल ये है कि प्रोब ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रेजेंस को मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग उस प्रोब को या तो बनाते हैं क्या फ्लोरिस और या फिर हम उसे बनाते हैं रेडियो एक्टिव फॉर एग्जाम्पल कि अब जो प्रोब मैंने यहां पे अटैच किया है समथिंग लाइक इट ये जो प्रोब है इट इज रेडियो एक्टिव फर्स्ट के लेते हैं लिखता हूं ये क्या है कि ये एक रेडियो एक्टिव प्रोब राइट right? तो मैं क्या करूंगा मैं इस पर्टिकुलर पैटर्निश को उठाऊंगा और उसे उठा के मैं किसी एक्सरे फिल्म के ऊपर इसके प्रिंट ले लूंगा और देख लूंगा कि क्या वेदर ये वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं अगर जीन प्रेजेंट होगा तो मेरा प्रोप उसे सक्सेसफुली बाइंड हो जाएगा और वो वाला जीन चमकना शुरू कर देगा तो ये चमकता हुआ जीन इस बात की गाजी करता है इस बात की निशानदेही करता है कि हमने सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर जीन को इस वेक्टर के साथ बाइंड भी कर लिया है और उसकी मल्टीपल क्लोन्स बना के अपने पास रख भी लिया है नो यू कैन राइट अप्रोप्रिएट यू कैसे एड्रेस and you can save it in your uh, you can say freezers at minus 80 degrees celsius where they can they can live uh, for years or millions of years without being disturbed So this is genetic library my dear students we can do this way. look at this Now, I have the process I have the drawing look at this animation we are taking the viruses ठीक है और आपको पता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि वायरस जाके बैक्टीरिया पर अटैक करे तो मुझे एक स्पेसिफिक किस्म का वायरस रहना पड़ेगा एंड दैट वेरी स्पेसिफिक वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो फेज पढ़े लिखे बच्चे हैं लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर फाइव में पढ़ा था कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किए बैक्टेरियो फेजस फेजी का मतलब होता है खा लेना जब हम लोगों ने वायरसेस को बैक्टीरिया के कॉलोनी पर लगाया था तो उन वायरसेस बैक्टीरिया को खा लिया था इसे मेरा नाम कर दिया था बैक्टीरियेजेस राइट याद करें येलो बॉक्स में चैप्टर नंबर फाइव में आपकी बुक में लिखा हुआ था अब हम बात ये कर रहे हैं कि हम बैक्टीरिया के अंदर वायरस के जीन्स को क्लोन करवा सकते हैं इट इज़ अ वेरी नेचुरल एंड वेरी इजी प्रोसेस उस पर, उस पर्पज के लिए कढ़ा क्या पड़ेगा हमें सबसे पहले हमें वायरस के डीएनए या आरएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा तो पहला काम तो अब ये करते हैं उसके बाद क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे जब मैं वायरस की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि इसके एंड्स फ्लैंकिंग नहीं होते स्टिकी नहीं होते तो वी हैव टू लुक एट क्या कर रहे हैं कि हम इस बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए डीएनए के एंड पर एड कर रहे हैं खुद से स्पेसिफिक किस्म की क्या निक्रोटाइट सीक्वेंसेस जो उसको क्या बना रहे हैं स्टिकी बना रहे हैं जाहिर है कि मैं इनको एड कर सकता हूं ख्रोना टेक्निक के साथ आपको याद होगा हर गोविंद खुराना ने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के खुद से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स बना ली थी राइट इस तरह से हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे कि हम जिस की ऑर्गेजम के बनाना चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइसोलेट करेंगे उसको ट्रीट करेंगे बाई मीन ऑफ एंडो न्यूक्लियजेस और मेरे पास उस ऑर्गेनिज्म के सारे जीनोम के मल्टीपल पीसेस बन जाएंगे अब हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट किस्म की डिफरेंट किस्म की कह लेंगे ट्यूब्स लेंगे और उनके अंदर दो चीजों को इकट्ठा डाल देंगे जीन प्लस बैक्टीरियोफेज का मॉडिफाइड डीएनए जब इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ हमारा डीएनए बाइंड हो जाएगा तो ये क्या होगा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फिर हम इसे पुट कर देंगे इनटू प्रोटीन कोर्स ऑफ द वायरसेस ठीक है तो प्रोटीन कोट के अंदर जब अभी इंसर्ट कर देंगे तो अब ये दोबारा से क्या बन गए वायरॉन्स बन गए नाउ दे कैन एक्टिवली अटैक द बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल्स तो फिर हम इन्हें भेज देंगे कि नो गो एंड जॉइन द बैक्टीरियल सेल्स तो बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि नॉर्मली ये कायम करते हैं क्या एक बहुत ही स्ट्रॉग किस्मेशनशिप रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज मास्टर मास्टर्स रिलेशनशिप तो जब भी बैक्टीरिया के ऊपर आके बैक्टीरियोफेजेस अटैक करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे मास्टर्स बैक्टेरिया की बॉडी क्या बन जाएगी स्लेव नो बैक्टेरियल मिशनरी विल मेक एवरी थिंग फॉर द वायरस इज नथिंग फॉर द बैक्टीरिया तो एक वक्त आएगा कि जब बैक्टीरिया की बॉडी में सारे के सारे क्या बन जाएंगे क्लोन्स बन जाएंगे उसी वायरस के अब हम क्या करेंगे कि हम उन पड़े क्लोन्स को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद उन्हें सेव कर लेंगे तो ये भी एक और मेथड है जिनॉमिक लाइब्रेरी बनाने का इसके लिए मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ हमें नाम क्या पड़ता है नंबर एक हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होता है वायरस का डी फिर उसके एंड्स को मिस्टेक भी जाना होता है नंबर थर्ड पे अपने जीरो ऑफ इंटरेस्ट को उससे बाइंड करना होता है नंबर चार पे उस मॉडिफाइड डीएनए को वापस बैक्टीरिया बेक्टीरियो फेज के कोट में डालना होता है फिफ्थ स्टेप पर हम क्या करते हैं कि हम बेक्टीरियो फेज को कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर बैक्टीरिया को अटैक करो और बैक्टीरिया की बॉडी में जाने के बाद दे डेवलप मास्टर स्लीप रिलेशनशिप राइट सो बैक्टीरिया विल मेक ऑल एंड एवरी थिंग्स फॉर वायरसेस तो वायरसे क्या करेंगे अपने क्लोन्स बना लेंगे और हम उन क्लोन्स को सेव कर लेंगे तो इस तरीके से जहाँ वायरस का डीएनए से वो उसके साथ सारे जीनोफी ट्रस्ट भी सेव हो गया और ये मेरे पास एक लैमडा फेज कॉलोनियल क्या बन गया जिनोमिक लाइब्रेरी बन गई इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के, के टेक्निक्स यूज करते हैं टू तो क्रिएट डिफरेंट जिनोमिक लाइब्रेरीज आइए देखते हैं कि हम ही जिनोमिक लाइब्रेरीज को बनाना तो सीख गए हैं लेकिन इसके अलावा ये हमारे कहां कहां और इस्तेमाल हो सकती है तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड वेयर वी अंडरस्टैंड द देशन ऑफ जिन लाइब्रेरी स्टूडेंट्स पहला स्टेप मेरे पास किया कि इन सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हम लोग करते क्या हैं जैसे बताया है कि हम लोग डिफरेंट पर्टिकुलर जीन्स को क्लोन्स बना के अपने पास सेव कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस क्या है और यह कहाँ सेव्ड है तो पहला काम तो यह है कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कलोन्स बना के अपने पास सेव कर लेते हैं व्हाट इज द सेकंड स्टेप हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फार्मास्यूटिकल जीन आप में से कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि कोई ऐसा जीन भी है जिसकी मेरे पास फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हो सकती है तो आंसर इज यस बिल्कुल आपने सही बोला है आप में से एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर इट इज अ जीन ऑफ इंसुलिन तो परफेक्ट आंसर है हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को भी जीनोमिक लाइब्रेरी में सेव करते हैं और कर सकते हैं फिर उसके बाद नंबर बटू पे आ जाता है ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ठीक ग्रोथ हार्मोन की बात आप लोगों के साथ हुई वो भी ऐसा ही है तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सी ऐसी जीन्स हैं कि जो मेरे पास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की हैं फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी थैलेसीमिया के जीन्स की हमने बात की थी सिकल सलीमोग्लोबिन के नॉर्मल जीन की राइट right. इस तरीके से रोडोप्सिन आने वाले जीन्स की मेरी जीन्स इन द बॉडी तो ये सारे के सारे जो जीन्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की होती हैं या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की होती हैं तो हम उनको भी सेव कर लेते हैं आपको याद जब मैंने पढ़ाया था कि अगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है बिकॉज को बार बार यूज करना है और बार 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 अभी बनाते रहना है और उससे मार्केट करके पैसे कमाते रहना है अब जल्दी हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू जीन्स ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है कि हम इससे उन जींस को भी पता लगा लगा सकते हैं जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था भाई क्यों नहीं पता था इसलिए कि ये वाले जीन्स किसी ऐसी जगह पर पड़े हुए थे कि जिनको साथ वाले नेबर्स आपने पढ़ा है प्लायोट्रॉपी आप लोगों ने पढ़ रखा है ठीक है पढ़ा ना आप लोगों ने तो आपने इसमें देखा था कि जो तो जीन्स होते हैं वो रिमोटली भी कंट्रोल हो रहे होते हैं तो जब जीन एक रिमोटली कंट्रोल होगा तो मुमकिन है वो अपने आप को किसी खास एनवायरमेंट में एक्सप्रेस ना कर पाए हम उसे बोलेंगे दैट इज बेसिकली साइलेंट जीन तो साइलेंट जीन मुमकिन है उस ऑर्गेनिज्म के लिए बेकार हो लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो बड़ी वर्थ वाइल चीज हो तो हम उन पर्टिकुलर सोए हुए न्यू जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनॉमिक लाइब्रेरीज देन इसकी एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीन हमने हमने इसको एक और सेंस में यूं भी पढ़ा हुआ है कि हम देखते हैं कि जीज में एवोल्यूशन कैसे होती है जीन्स कैसे इवॉल्व होते हैं थ्रू आउट द होल एनिमल किंगडम और अगर हम सिर्फ इंसान की बात करें तो इंसानी पॉपुलेशन को वही बात है साठ हज़ार साल पहले या दस हज़ार साल पहले या बीस हजार पहले वो जीन कैसा था और आज वो किस एवोल्यूशनरी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है उसके अंदर कैसे चेंजेस आ रही हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये सारी बातें भी हमें पता चली जब हम लोगों ने जीन्स की प्रॉपर क्या की लाइब्रेरीज़ बनाई और उनके इफ़ेक्ट्स को डिटेल बेस्ट स्टडी करना शुरू किया फिर अगर हमारे पास एक जीनोमिक लाइब्रेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है और हमें उसके बारे में वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट के यही वो जीन है हमने सारे टेस्ट उससे कर लिए उसे एक्सप्रेशन हमने चेक कर लिया कि यस ये वही जीरा जो बनाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि मैं उस पर्टिकुलर जीन को जीनोमिक लाइब्रेरी से निकालूंगा और उसे किसी भी वक्त किसी भी दूसरे ऑर्गनिजम में इंसर्ट करके एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लूंगा तो ये मेरे पास एक ईज़ भी हुई मेरे पास एक फैसिलिटी भी हुई कि अगर ऑलरेडी मेरे पास एक जीन जीनोमिक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो मैं जब चाहू उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको किस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकता हूं ऑर्गेज्म को जेनेटिकली मॉडिफाईम बना सकता हूं एक और किस्म की लाइब्रेरी मेरे पास कराती है सी डी एन ए लाइब्रेरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है ये भी आपको पता है कि हम ये कैसे बना रहे होते हैं तो सी डी लाइब्रेरी है आपको पता ही कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए हमने कैसे बनाया था ठीक है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की रिवर्स जरिंग करके हम लोग डिफरेंट किस्म के जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं एम्पलीफाई कर सकते हैं प्रोटीन बनवा सकते हैं आर बनवा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो सी डी लाइब्रेरी है ये भी एक और बड़ी ही काम की चीज़ होती है सी डी लाइब्रेरी का एक और बड़ा यूनिक फंक्शन यह है कि इट हेल्प्स इन आइसोलेशन ऑफ होमोलोगस जीन्स बहुत बहुत पता आप लोगों के वट आर बेसिकली बेसिकलीमर तो इसलिए हाथ से मरोगीस कैसी होती है और कहाँ लोकेट करती है सारी बातें आप लोगों से डिस्कस हो चुकी हुई हैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकल एप्लीकेशन सी डी एन लाइब्रेट की ये होती है कि हम उसकी मदद से एंटीबॉडीज की सिंथेसिस कर सकते हैं भाई अगर मेरे पास जीन है तो मेरी उस पर्टिकुलर जीन से एक्सप्रेशन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है वंस वी हैव गॉट द जीन दे वी हैव द एक्सप्रेशन एंड दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड दोज प्रोटीन्स That have the ability to fight with foreign antigens, they are called as antibodies. Sometimes we have to have multiple antibodies, but sometimes we have to have monoclonal antibodies. In both cases, very very important thing is definitely the tool that we have in our hands that is called as a genomic library. So it is not always true that we bar 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 wheel ko hi or ek hi product to इसकी किस बत यह है कि अगर मेरे पास एक जीन ऑप्टेन हो गया है उसको मैंने रिसर्च कर लिया उसके बारे में तमाम पैरामीटर्स एट्रीब्यूट वेरीफाई हो गए हैं तो बजाय इसके कि मैं सब लोगों से कहूँगा तुम ये जीन दोबारा आइसोलेट करो दोबारा से उसको इसकी क्या करो एक्सप्रेशन देखो बेहतर है कि इसी जीन को सेव कर लिया जाए और उस पर्पज़ के लिए हम उसको प्रॉपर मल्टीपल जगहों पर क्लोन करके सेव करते हैं एंड दैट वेरी सेफ थिंग इज़ द जिनोमिक लाइब्रेरी फॉर दैट पर्टिकुलर जीन हम बींग साइंटिस्ट क्या करते हैं फिर उस दिन पर काम छोड़ते हैं और अगली जीन के ऊपर जंप कर जाते हैं बिकॉज दिस फील्ड इज़ वेरी वास्ट इट इज़ वेरी इनसली लार्ज इमेनली लार्ज यू कैन से एक डिपार्टमेंट है जिस पर कॉन्सटेंटली रिसर्च होती चली जा रही है आई होप कि आपको जोरॉमिक लाइब्रेरी बनानी आ गई होगी फिर आपको ये पता चल गया होगा जोमिक लाइब्रेरी हम क्यों बनाते हैं फिर आपको ये बात, लाएगी 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 लाएगी। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि हमारी मेडिकल प्रोफेशन में हमारे जेनेटिक्स में और हमारी बायोटेक्नोलॉजी में इस पर्टिकुलर जिजिनिक लाइब्रेरी की क्या क्या कि अपलिकेशन होती हैं इस दुआ के साथ कि आप इस सारे नॉलेज को इफेक्टिवली यूज़ करें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज़ द मेराज ऑफ इंसानियत सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान हो और इंसान की खिदमत कर सकते हो इसी दुआ के साथ क्या आपको बहुत अच्छे इंसान बनाए आप अपने अपने वाले का बहुत अच्छा ख्याल रखें और जब नमाज़ पढ़ें हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़